दोस्तों, यह है 15,000 वाले स्केट और यह है 10,000 वाले स्केट। दोनों में से कौन सा बेटर है देखते हैं। तो 15,000 वाले स्केट का नाम है प्रो स्केट फ्रेंच टोस्ट, जो कम्प्लीटली हार्ड बूट इन लाइन स्केट है और इसके एल्युमिनियम फ्रेम में आपको 110 mm के 3 व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कन्वर्टेबल फ्रेम होने के कारण आप इसमें 90 mm के 4 व्हील सेटअप भी कर सकते हैं और यह रेसिंग स्केट है, जिस कारण इसका वेट भी बहुत कम रखा गया है। और 10,000 वाले स्केट का नाम है ऑक्सिलो MF900 और यह भी कम्प्लीटली हार्ड बूट इन लाइन स्केट है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है और इसमें 110 mm के 3 व्हील्स लगे होते हैं, लेकिन इसमें 4 व्हील सेटअप नहीं किया जा सकता है और इसका वेट फ्रेंच टोस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है और MF900 के सभी पार्ट्स को अनस्क्रू करके अलग किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंच टोस्ट में सभी पार्ट्स परमानेंट पिन से लगे होते हैं, जिससे किसी भी पार्ट को रिप्लेस करने में प्रॉब्लम होगी। और 10,000 वाले स्केट के लाइनर प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, जो लंबे टाइम तक अच्छी खासी सर्विस देते हैं। लेकिन 15,000 वाले स्केट के लाइनर कुछ ही दिनों में अपनी औकात दिखा देते हैं और 10,000 वाले स्केट में आपको शॉक अब्सॉर्बर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन 15,000 वाले स्केट में शॉक अब्सॉर्बर के नाम पर एक पतला सा रबड़ का टुकड़ा मिलता है, जो किसी काम का नहीं है। MF900 और प्रो स्केट फ्रेंच टोस्ट का कंपेयर करें तो MF900 फ्रेंच टोस्ट से 5,000 रुपए सस्ता होने के बावजूद भी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन फ्रेंच टोस्ट